आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसी मूवीज के बारे में जिसमें खजाने के बारे में मिस्टीरियस तरीके से दिखाया जाता है और साथ ही वो एक्शन एडवेंचर से भरी हुई होती है जिसे देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर आप भी ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हो तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए। नंबर 1 पर आती है पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन द कर्ज ऑफ द ब्लैक पर्ल। ये मूवी 2003 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 8.0 की है। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस फिल्म सीरीज के तो ऑलमोस्ट सभी लोग फैंस हैं। इस मूवी में दिखाया जाता है कैप्टन जैक स्पैरो के बारे में जो कि कुछ लोगों के साथ मिलकर एक लड़की को बचाने जाता है जिसको समुद्री लुटेरों ने अपने जहाज पे पकड़ के रखा है और वो लुटेरों ने एक शापित खजाना चुराया होता है जिसकी वजह से वो जिंदा तो होते हैं पर मुर्दों जैसे दिखते हैं। और आगे क्या वो लोग खजाने के वहां पहुंचकर अपना श्राप दूर कर पाएंगे और क्या जैक स्पैरो उस लड़की को बचा पाएगा, ये जानने के लिए आप ये मूवी जरूर देखिएगा। नंबर 2 पर आती है द एडवेंचर ऑफ टिनटिन। ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 की है। ये एक एडवेंचर एनिमेशन मूवी है। इस मूवी में दिखाया जाता है टिनटिन नाम के एक रिपोर्टर के बारे में जो कि एक जहाज का मॉडल खरीदता है लेकिन उसके कुत्ते की वजह से वो टूट जाता है और उसके अंदर से टिनटिन को खजाने का एक हिस्सा मिलता है। फिर वो बाकी के हिस्से कैसे ढूंढता है और क्या वो खजाने तक पहुंच पाता है वो जानने के लिए आप ये मूवी जरूर देखिएगा। नंबर 3 पर आती है थ्री किंग्स। ये मूवी 1999 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 की है। ये एक एक्शन एडवेंचर वॉर मूवी है। इस मूवी में दिखाया जाता है तीन आर्मी सोल्जर्स के बारे में जो पर्सियन गल्फ वॉर खत्म होने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो जहाँ पे है वही एक आर्मी बेस के आसपास बहुत ज्यादा सोना छुपाया हुआ है जिसके चलते मूवी में आगे क्या वो तीनों मिलकर सोना ढूंढ पाएंगे वो जानने के लिए आप ये मूवी जरूर देखिएगा। नंबर 4 पर आती है द मम्मी। ये मूवी 1999 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.0 की है। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी में दिखाया जाता है ओ कोनल नाम के एक आदमी के बारे में जो इवलिन और जोनथन के साथ मिलकर अमोनाप्त्रा नाम के एक शहर में खजाने को ढूंढने के लिए जाते हैं और उनके अलावा और भी कई लोग इस खजाने को ढूंढना चाहते हैं लेकिन इन लोगों ने गलती से वहां पे एक मम्मी को जगा दिया होता है और फिर आगे क्या वो लोग खजाना ढूंढ पाएंगे वो आप इस मूवी में देखोगे। नंबर 5 पर आती है नेशनल ट्रेजर। ये मूवी 2004 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.9 की है। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में दिखाया जाता है एक फ्रैंकलिन नाम के आदमी के बारे में जिसके पिता ने एक वॉर के दौरान एक बॉक्स को एक जगह छुपाया होता है जिसे फ्रैंकलिन के अलावा और भी कई लोग उस बॉक्स के पीछे पड़े होते हैं और आप इस मूवी में देखोगे कि उस बॉक्स में ऐसा क्या है जिसके चलते इतने सारे लोग उसे ढूंढना चाहते हैं। नंबर 6 पर आती है ब्लैक सिया। ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 की है। ये एक थ्रिलर एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में दिखाया जाता है एक रॉबिन्सन नाम के आदमी के बारे में जिसे पता चलता है कि सोने से भरा हुआ एक जहाज पानी में डूब चुका है और फिर वो एक टीम बनाता है और वो जहाज ढूंढने निकल पड़ता है और क्या वो जहाज ढूंढकर सोना ला पाएगा ये जानने के लिए आप ये मूवी जरूर देखिएगा। नंबर 7 पर आती है इंडियाना जोन्स एंड द किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल। ये मूवी 2008 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 की है। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। ये 1981 से चली आ रही इंडियाना जोन्स सीरीज का 4th पार्ट है। इस मूवी में दिखाया जाता है एक आर्कियोलॉजिस्ट इंडियाना जोन्स और एक लड़के के बारे में जो कि साथ मिलकर एक क्रिस्टल स्कल के पीछे की मिस्ट्री सुलझाने और
खजाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, और क्या वो उसे ढूंढ पाते हैं वो जानने के लिए आप ये मूवी जरूर देखिएगा। नंबर 8 पर आती है डोरा द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 की है। ये एक एडवेंचर फैमिली मूवी है। इस मूवी में दिखाया जाता है एक डोरा नाम की लड़की के बारे में, जिसकी फैमिली को कुछ गैंगस्टर ने बंदी बना लिया होता है, जिन्हें ढूंढने के लिए डोरा अपने कुछ स्कूल के दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में उन्हें ढूंढने जाती है। और आगे आप इस मूवी में देखोगे कि वो गैंगस्टर आखिर क्यों डोरा के पेरेंट्स को किडनैप करके जंगल में ले गए हैं, और क्या डोरा उन्हें बचा पाती है वो आप इस मूवी के अंदर देखोगे। नंबर 9 पर आती है सहारा। ये मूवी 2005 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.0 की है। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। इस मूवी में दिखाया जाता है 3 लोगों के बारे में, जो कि सिविल वॉर के दौरान खोया हुआ जहाज ढूंढ रहे हैं, जिसका नाम शिप ऑफ डेथ है। और इस मूवी में आप देखोगे कि क्या वो लोग वो जहाज ढूंढ पाएंगे और उन्हें जहाज के अंदर क्या मिलेगा वो आप इस मूवी में देखोगे। नंबर 10 पर आती है लारा क्रॉफ्ट टॉम राइडर। ये मूवी 2001 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.8 की है। ये एक एक्शन एडवेंचर ड्रामा मूवी है। इस मूवी में दिखाया जाता है एक लड़की के बारे में, जिसका नाम लारा क्रॉफ्ट है, जो कि एक ऐसी प्राचीन चीज को ढूंढती है जो कि टाइम को कंट्रोल कर सकती है, और साथ ही में वो पुरानी और कीमती चीज़ों को ढूंढकर उन्हें बुरे लोगों से बचाती है।